हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ दो न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। महेश्वरम में कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है, मेरी बात का नोट कर लीजिए। नामपल्ली में बीजेपी कांग्रेस के लिए काम कर रही है। निजामाबाद में कांग्रेस बीजेपी को कामयाब करने का काम कर रही है। निर्मल में कांग्रेस बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। करीमनगर में कांग्रेस बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। गोशा महल में कांग्रेस बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। और हैदराबाद में बीजेपी का सदर ये बोलता है कि हम अगर ये मौका मिल जाएगा तो पुराने शहर में बुलडोजर लगा देंगे। किशन रेड्डी गारू, हम लोग जो है ना ऐसा थालियां मारने वाले नहीं है। बुलडोजर लेके आएंगे तो क्या हमारी माँ और बहनों ने हमको यही सिखाया था कि जो तुमको बर्बाद करने आ रहा तुम उसके सामने फूल बहा के झुक जाना नहीं होगा। कानून के दायरे में रहकर बात करो। और खबरदार किशन रेड्डी, तुमने कहा हैदराबाद का नाम बदल देंगे। किशन रेड्डी बोल रहे कि कौन है हैदर, ये हैदर कौन है? किशन रेड्डी, ये हैदर फातह ख्वाब खैबर है। ये हैदर वो है जिसने अपने हाथों से खैबर के किले के दरवाजे को उठाकर फेंक दिया। ये हैदर वो है जो इल्म का दरवाजा है किशन रेड्डी। ये हैदर वो है किशन रेड्डी जिसको उसकी जिंदगी में जन्नत की बशारत दी गई। किशन रेड्डी हैदर वो है जिसके दोनों बेटे जन्नत के शहजादे हैं। अरे हैदर वो है जिसके ताल्लुक से आका ने फरमाया कि अली मुझसे है, मैं अली से हूं। ये हैदर है किशन रेड्डी। तुमने कह दिया ना हैदर कौन है, अब तैयार हो जाओ। सरजमीन हैदराबाद तुमको बताएगा कि हैदर के गुलाम अब क्या करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के साथ। तो आप, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि तेलंगाना के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, तेलंगाना को मजबूत बनाने के लिए, तेलंगाना में आरएसएस को कमजोर करने के लिए, तेलंगाना में मोदी, योगी, अमित शाह को रोकने के लिए, तेलंगाना में वो कांग्रेस पार्टी का सदर जिसको मैंने एक नाम दिया है, उसका नाम है आरएसएस अन्ना, उसको रोकने के लिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप महेश्वरम में और जहां से मजलिस के उम्मीदवार नहीं है, मेरी माँ और बहनों मामू का साथ दो। आप लोग मामू का साथ दीजिए। आप तमाम से मेरी अपील है कि आप मामू का साथ दीजिए। समझ गए ना आप या नहीं समझे? मेरी माँ और बहनों आप समझ गए? मामू, मामू समझ गए ना? मामू समझ गए ना? हाँ, मामू का औरतें जल्दी समझे, आपला नहीं समझ रहे, मां से बता रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।